तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाए हुए हो और उसके अंदर एडसेंस अप्रूवल ले चुके हो तो आप उसके ऊपर कैसे एड्स लगा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक वेबसाइट है और यहाँ पर एड्स वगैरह ऑटोमेटिक्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर किस तरीके से आप ऐड प्लेस कर सकते हो ताकि जो है आपके ब्लॉगर्स के ऊपर वेबसाइट के ऊपर एड्स वगैरह दिखे कुछ इस तरीके से, रिस्पॉन्सिव एड्स, काफ़ी सारे एड्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो को प्रॉपर देखना, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको एड्स प्लेस करना है ब्लॉगर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट है और इस blogspot.com के से है, कोई भी मैंने पैसा नहीं लगाया था और ये बिल्कुल फ्री में बनाया था, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मेरा अप्रूवल मिल चुका है ऑलरेडी। और दोस्तों इसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे emtromfrp.blogspot.com इस पर आप आओगे तो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह के रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मतलब पोस्ट वगैरह आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर कैसे एड्स लगा सकते हो आप भी, अगर आपके ब्लॉगर के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल मिल चुका है तो किस तरीके से एड्स प्लेस करोगे, प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हो यहां पे आप कैसे आपको लगाना है। सबसे पहले यहां पे देख सकते हो मेरे पास ये एडसेंस है इसका ऑलरेडी, यहां पे एडसेंस को ओपन कर लेते हैं और इसमें ये जो मेरा वेबसाइट है और इसके ऊपर जो टेम्पलेट है गैलेक्सी का टेम्पलेट है, गैलेक्सी टेम्पलेट, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है एड्स लगाने के जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एड्स लग सकता है इसके ऊपर। तो दोस्तों आपको किस तरीके से एड्स लगाओगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से एड्स पे क्लिक्स आए और अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। दोस्तों देख सकते हो तो मैं आपको बताने लूँ किस तरीके से आपको एड्स लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एड्स पे क्लिक कर देना है। चलो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ किस तरीके से एड्स लगाओगे। देखो दोस्तों सबसे पहले एड्स पे यहाँ पे जाना है, आपको होम सेक्शन छोड़ के आपको डायरेक्ट एड्स पे जाना है। एड्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करना है, ये कोड जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप इस कोड को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो एडसेंस कोड को कॉपी करके बीच में पोस्ट करें हेड के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेड कहाँ मिलेगा इसको यहाँ पे डन कर देना है और डायरेक्ट आपको जाना है ब्लॉगर्स ओपन करना है अपना ब्लॉगर। ब्लॉगर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है थीम पे। थीम पे आने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देना है और एडिट एचटीएमएल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हेड फोर वाले ऑप्शन पे हेड दिख रहा होगा, आपको हेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इंटर यहाँ पे दबाना है और यहाँ पे आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है एडसेंस का कोड यहाँ पे प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, एडसेंस का कोड प्लेस हो चुका है, अब इसको ओपन ही रहने देना है, ठीक है। फिर से आपको एक कोड लगाना पड़ेगा एएमपी का, जो कि मोबाइल पे एड्स दिखते हैं और मोबाइल पे ज्यादा क्लिक्स आते हैं, मोबाइल से ही बहुत ही ज्यादा क्लिक्स आते हैं ना कि कंप्यूटर से, ठीक है। तो एएमपी कोड को आपको लगाना है, तो एएमपी कोड यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये वाला जो है एएमपी कोड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक कोड को लगाया मेन कोड को और यहाँ पे एएमपी इज ऑफ है ऑलरेडी, तो हम इस एएमपी कोड को लगाएंगे। तो यहाँ पे एएमपी पे ऑटो पे क्लिक ओपन करेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे, उसको भी क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे गेट एएमपी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो स्टेप वन कॉपी कोड स्क्रिप्ट हेड के नीचे यहाँ पे बोल रहा है लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से हेड के नीचे इसको यहाँ पे लाकर फिर से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एएमपी का कोड हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे बोल रहा है कि दोस्तों आपको बॉडी टैग्स के अंदर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे बॉडी के अंदर, तो बॉडी वाला टैग हम बाद में लगा लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, बॉडी टैग को हम बाद में लगा देंगे। अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि बॉडी टैग को आपको कहाँ पे लगाना है, प्लेस करना है, ठीक है। तो ये हो चुका है, यहाँ पे डन कर देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बॉडी टैग को आपको दोस्तों आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। एक बार यहाँ पे ट्राई करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉडी टैग यहाँ पे आपको बताएगा कि कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी टैग, तो बॉडी टैग को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कोड देख सकते हो, यहाँ पे ऑटो एड्स यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऑटो एड्स ऑलरेडी हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे पेन वाले आई
आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेन वाला जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और पेन वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका जो है एड्स कहाँ कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको चेक करके दिखा रहा है, आपके साइट्स को चेक करेगा कि आपके साइट्स के ऊपर, आपके टेम्पलेट्स के ऊपर कहाँ कहाँ हम ऐड दिखाएंगे, तो यहाँ पे अभी चेक कर रहा है। और बहुत सारे टेम्पलेट्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एड्स वगैरह नहीं दिखते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटो एड्स जो है हमारा ऑन हो चुका है, और यहाँ पे चेक कर रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर, यानी कि कहाँ पे हम इसको प्लेस करें ताकि अच्छे से आपका जो है एड्स दिखे आपके टेम्पलेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों आपका जो है बहुत जल्द हो जाता है, चेकिंग कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर स्कैन कर चुका है और दिखा रहा है यहाँ पे नो इन एड्स, यानी कि मोबाइल पे ये हमारे नो एड्स दिखाएगा, मोबाइल पे जो भी ओपन करेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एंकर ऐड दिखेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक एड्स, ऑटो एड्स, ऑटो एड्स, ऑटो एड्स तीन, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो चार हो चुके हैं, पाँच एक एड्स, छः एड्स, छः सात एड्स, यहाँ पे आठ एड्स एंड यहाँ पे नौ एड्स, ठीक है, और यहाँ पे दस एड्स, मतलब एड्स के मतलब पूरा भरमार है गैलेक्सी टेम्पलेट्स के ऊपर। तो दोस्तों गैलेक्सी टेम्पलेट अपने वेबसाइट के ऊपर प्लेस करना है ताकि जो है आपके वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एड्स दिखे और लोगों से क्लिक हो, क्लिक के ही पैसे हमारे एडसेंस के ऊपर मिलते हैं, और दोस्तों किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स के ही पैसे मिलते हैं, ठीक है, ना कि इंप्रेशन के। इंप्रेशन अगर आपका जो है एडीएक्स अप्रूवल रहेगा तो इंप्रेशन के पैसे मिलेंगे, तो इंप्रेशन बेस पे बहुत ही ज़्यादा गैलेक्सी टेम्पलेट अच्छा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे पीसी पे, तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कौन सा एड्स दिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आठ एड्स यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे यहाँ पे देख सकते हो गूगल का एंकर एड्स, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक एड, दो एड, यहाँ पे तीन एड्स, यहाँ पे बहुत सारे एड्स वगैरह दिखा रहा है, मतलब ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अर्निंग्स होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब करना क्या है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ये हो चुका हमारा। अब यहाँ पे दोस्तों करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल इसको चेक कर लेंगे, सब पे टिक लगा देना है, ठीक है, सब पे टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ इसको भी चेक लगा देना है, यहाँ पे देख सकते हो एड लोड यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एड्स कम दिखाई देगा तो आपके ज़्यादा अर्निंग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एड्स कम दिखाएंगे, तो इसमें होता क्या है कि जितने कंपटीशन आपके वेबसाइट पे ज़्यादा रहेंगे उतने अच्छे से सीपीसी आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये जो इस यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सक्लूडेड एरिया, इसको आपको कुछ छेड़छाड़ वगैरह नहीं करना है, और यहाँ पे ऑटो एड्स लोड पे यहाँ पे आपको हाफ पे रख देना है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा यही होगा कि आपके जो एड्स हैं वो अच्छे से दिखेंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से आपको एड्स दिखेंगे और आपका जो है एड्स बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्लिक होगा, ठीक है, क्लिक होने के ही पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ पे देख सकते हो ये एड्स आ चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे एड्स लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी साइट पे हम एक घंटे तक समय लगा सकते हैं, मतलब एड्स प्रॉपर दिखाने में। यहाँ पे देख सकते हो ये एड्स हमारा ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। अब मैनुअल एड्स कैसे लगाओगे, मतलब मैनुअल एड्स लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, किस तरीके से मैनुअल एड्स लगा सकते हो, तो यहाँ पे बाई एड्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हमने एड्स वगैरह क्रिएट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैनुअल एड्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एड्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे एड्स वगैरह मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं, डिस्प्ले एड्स, फीड एड, आर्टिकल एड, मल्टीपल एड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के एड्स हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले एड्स पे क्लिक करते हैं, तो इतने सारे हमने एड्स क्लिक करके रखे हुए हैं, साइड बार पे, रिस्पॉन्सिव पे, स्क्वायर पे, स्टिकी एड्स, तो ये सब एड्स हैं जो हम यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, ठीक है। तो इसको क्रिएट कैसे करना है आपको वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करोगे, डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको ज़्यादातर रिकमेंड करता है कि डिस्प्ले एड्स ही लगाओ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक नाम दे देना है, मतलब कौन सा एड्स आप क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर एड है, ये आप साइड में लगा सकते हो या आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल वाला जो एड
फ्लैट्स होता है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपके साइट पे, और वर्टिकल जो लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला आपको नाम देना है, इस तरीके से आपको नाम देना है, आपको यहाँ पे कुछ और करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एड्स का नाम देना है, यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजेंटल, स्क्वायर, इस तरीके से नाम देकर और यहाँ पे क्रिएट करके उसका कोड जो है यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड बन के आ जाएगा। कोड बन के आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों इस तरीके से आपको कोड दिखाई देगा, ठीक है। इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हेड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप AMP कोड यहाँ पे अपने लगा सकते हो यहाँ पे बॉडी में, और यहाँ पे दिखा रहा है कि आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो AMP कोड यहाँ पे हेड में, ठीक है, हेड के नीचे। तो यहाँ पे हेड पे हम क्लिक करते हैं, और AMP कोड को लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि AMP कोड पे काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट HTML पे करते हैं, थीम पे ले जाकर, और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे ऑटो एड्स, यानी कि यहाँ पे AMP कोड लगाएंगे ताकि हमारे जो यहाँ पे हेड आ चुका है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और फिर से यहाँ पे वी पे क्लिक करके हमारा जो है ऐड यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है AMP कोड लग चुका है, मोबाइल के ऊपर भी दिखेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एड्स लगा सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है, यहाँ पे सेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देख सकते हो ये AMP कोड लग चुका है यहाँ पे, और इसको बता रहा है कि आपको बॉडी टैग के नीचे लगा देना है, ठीक है। तो बॉडी में कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे HTML कोड है जो बॉडी में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको करना क्या है, किस तरीके से ऐड प्लेस करोगे, पहले इसको सेव हो जाने देते हैं। सेव होने में काफ़ी टाइम लगा रहा है भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये सेव हो रहा है, प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे बैक कर लेते हैं और चलते हैं अपने लेआउट्स के अंदर, ठीक है। लेआउट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो ये बॉडी हमारा है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे कोड लगाएंगे, कहाँ पे कोड प्लेस करेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे HTML जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं दिखता है, आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स के ऊपर इस तरीके का कभी कभी नहीं दिखता है एड्स जावा स्क्रिप्ट, और बहुत सारे साइट्स में भी आपको इस तरीके के जो आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक्स, तो इस तरीके का अगर नहीं दिखा के मान लो कि यहाँ पे एड सेक्शन का दिख रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके के इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे इसमें एड्स टाइप के एक भी नहीं है, तो आप गैजेट क्रिएट कर सकते हो। तो ऐड गैजेट पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे HTML जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर देना। तो देखना यहाँ पे HTML जावा स्क्रिप्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स यहाँ पे क्या लगाओगे, आपको वर्टिकल एड्स लगा सकते हो, अदरवाइज स्क्वायर एड्स लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने कौन सा कोड कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कोड हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, डिस्प्ले एड्स, ठीक है। तो डिस्प्ले एड्स पे हम कॉपी कर रहे हैं, तो डिस्प्ले एड्स को कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे बॉडी पे, यहाँ पे देख सकते हो बॉडी पे लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट भी क्लिक करके और डिस्प्ले एड्स यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एड्स बिल्कुल लग चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एड्स लग चुका है। अब इसको हम प्लेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे ब्लॉगर्स के ऊपर एड्स दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो है आप ऐड लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आपको एड्स लगाना आ चुका है मुझे लगता है इस तरीके से। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो अच्छा से देखोगे तो आपको जो है एड्स लगाना आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो पहले भी एड्स दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एड्स प्लेस कर सकते हो। फिर से मैं आपको एक और एड्स लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एड्स मेरा लग चुका है यहाँ पे HTML जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, इसके अंदर एड्स मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर एड्स एक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो साइज होगा ये 728x90 का साइज है इसका। अब दोस्तों यहाँ पे एड्स पे चलते हैं, एड्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले एड्स है और इसका साइज जो है ये वाला है। अब यहाँ पे स्क्वायर एड्स लगाते हैं, यहाँ हम STK एड्स, ठीक है। तो STK एड्स यहाँ पे क्लिक करते हैं और STK एड्स लगाने के लिए यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं या AMP कोड, इसको भी इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से AMP कोड भी आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको क्लिक्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर एड्स प्लेस कर सकते हो मैनुअली या ऑटोमेटिक। तो आप मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि और भी इस तरीके का वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।